दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है? न्यूटन ने गजब की खोजें की, आइंस्टाइन ने अपनी खोजों से इतिहास रच दिया, गैलीलियो और उनकी खोजों को कौन नहीं जानता। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि आखिर कौन था उनकी सोच के पीछे, उनके आविष्कारों के पीछे, ऐसे चमत्कारी आविष्कार जिन्होंने दुनिया को चकित कर दिया? ये सारा खेल उनके अवचेतन मन का था। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही वो सत्य है जिसके दम पे उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को छुआ। हमारा दिमाग ही हमारा शत्रु है और हमारा दिमाग ही हमारा मित्र। वो हमें ऐसी चीज़ें लाकर दे सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस शर्त ये है कि हम उसे कैसे प्रयोग करते हैं और उसे उसकी मनचाही खुराक देते हैं। आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अवचेतन मन होता क्या है। हमारा दिमाग तीन हिस्सों में बटा है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेत मन। चेतन मन हमें हमारे दैनिक कार्यों में मदद करता है, जैसे कि बात को सुनना, उसकी तार्किक निर्णय करना इत्यादि। लेकिन अवचेतन मन के पास कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, यह आपकी बातों को यथासंभव मान लेता है। आप इसे जो कहते हैं वो यह करता है, चाहे ये आपके लिए गलत हो या सही हो, इससे अवचेतन मन को कोई मतलब नहीं। उदाहरण के लिए, सांस लेने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, ये तो नींद में भी चलती रहती है। अगर अचानक से कोई पिन आपके शरीर में चुभ जाए, अवचेतन मन तुरंत ही आपको उस खतरे से सावधान करता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि आप अपने दिमाग का 90-95% हिस्सा प्रयोग ही नहीं करते। आप अपने रोज़मर्रा के कार्यों में अधिकतम 5% दिमाग का ही इस्तेमाल करते हैं और इतने बड़े कार्य निपटा डालते हैं। अगर हमारा दिमाग 5% में ही इतने काम कर सकता है तो बाकी दिमाग का क्या फ़ायदा? दोस्तों, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह होता है, जिसमें इतना डाटा भरा है जिसे हम कभी प्रयोग ही नहीं कर पाते। आपके जन्म जन्मांतर की बातें इस दिमाग में छिपी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, लेकिन उसे देखते ही हमारे अंदर एक क्रोध या प्यार का भाव आता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? जब आप उस इंसान को जानते ही नहीं हैं, पहचानते ही नहीं हैं, तो अचानक से ऐसा भाव पैदा क्यों हुआ? ये है आपके अवचेतन मन की शक्ति। आइए अवचेतन मन के बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप उसी समय पड़ोस में बैठे अपने मित्र से बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि बातें करते हुए भी आप जिन रास्तों से परिचित हैं उन पर आपकी गाड़ी अपने आप मुड़ती चली जाती है? ये कमाल आपके अवचेतन मन का है। कभी आपने ये सोचा है कि अंधेरा होने के बावजूद भी आप आराम से खाना खा सकते हैं, आपका हाथ भोजन उठाते ही सीधे आपके मुंह तक जाता है, वो कभी भी पेट या कहीं और क्यों नहीं जाता? इसके साथ आपके अवचेतन मन ने ये मान लिया होता है कि थाली में से भोजन उठाते ही आपके मुंह तक पहुंचना है और फिर आपके पेट तक। मान लीजिए कि आपने सामने रखी थाली से कुछ भी उठाया तो वो मुंह तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन आपकी इंद्रियां, आपके चैतन्य मन को ये बता देगा कि भोजन खाने लायक है या नहीं, वो तर्क करेगा। आपका अवचेतन मन इस बात का तर्क नहीं करता, आप जो भी खाते हैं आपका अवचेतन मन इससे कोई भी मतलब नहीं रखता। आइए अब कोशिश करते हैं इन सारी बातों के पीछे पहला क्या है हमारा अवचेतन मन। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसे आमतौर पर एक साधारण इंसान कभी प्रयोग ही नहीं करता, और हमारा अवचेतन मन सिर्फ रोजमर्रा की कामों में लगा रहता है, जैसे सांस लेना,
हृदय की गति को नियंत्रण करना, दिल का धड़कना, ये क्रियाएं हम किसी भी अवस्था में रहें इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। दूसरा, हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। हमारा अवचेतन मन किसी भी बात को किसी तर्क के मान लेता है और उसी दिशा में कार्य करने लगता है। हमारे चेतन मन की तरह तार्किक शक्ति नहीं होती, इसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इसे आप जैसे मोड़ेंगे ये वैसे मोड़ेगा, चाहे वो सही हो या गलत, इससे हमारे अवचेतन मन को कोई मतलब नहीं। ये उस आग के समान है जिसे आप जैसे खुराक देंगे उसे वह वैसे हजम करेगा, उसी के अनुरूप आपको परिणाम भी देगा। इसलिए इसे हम सकारात्मक सोच देते हैं तो ये सकारात्मक परिणाम देगा, अन्यथा जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे ही बनते चले जाएंगे। कई बार हम बैठे बैठे उदास हो जाते हैं, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को लगातार वो खुराक दी और इसलिए वो आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ लाया है जिससे कि आप उदास हो गए। इसका सदुपयोग कैसे करें? आपने कई बार देखा होगा, अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं और लगातार उसी के बारे में सोचते रहते हैं तो अचानक से आपके सामने उस काम की राहें खुलने लगती हैं। ये आपके अवचेतन मन का कमाल है। शर्त ये है कि आपने उस परेशानी का हल खोजा। अगर आपने ये सोचा कि ये काम तो कभी हो ही नहीं पाएगा तो आपका अवचेतन मन उस काम को होने देने के सारे रास्ते बंद कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 6 बजे किसी काम से उठना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन 6 बजे या उससे पहले ही उठा देता है। उसकी जगह अगर आपने ये सोच लिया कि 6 बजे तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है, मैं तो उठ ही नहीं पाऊँगा, तो मेरा यकीन मानिए आपका अवचेतन मन आपको कभी 6 बजे उठने नहीं देगा। हमारा अवचेतन मन हमें अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें लाकर दे सकता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। आप अपने अवचेतन मन को जिस दिशा में मोड़ेंगे ये आपसे तर्क वितर्क नहीं करता, ये उसी दिशा में चलेगा, चाहे ये आपके लिए गलत हो या सही। आप अपने दिमाग से पंगे लेना शुरू करिए। अगर आपका दिमाग कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अपने दिमाग से कहिए कि मैं ये काम करूँगा। बार बार ऐसा कहने से वो बात आपके अवचेतन मन में चला जाता है और वो उस काम को करने के लिए एक्टिव हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड बुक समरी।